हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। एसएससी जेई 2023 मैकेनिकल का कोर्स हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे पब्लिश होने जा रहा, और ये कोर्स सबसे अलग रहेगा। अभी तक जितने भी कोर्स देखे हैं उससे अलग रहेगा, क्योंकि एसएससी जेई का एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, उस हिसाब से करेंगे। और ये कोर्स जो है एसएससी जेई का, अगर ये पूरा आप कर लेते हैं तो इसके अलावा कोई भी मैकेनिकल का कम्पिटेटिव एग्जाम का वैकेंसी आती है, ये कोर्स पढ़कर आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए इसमें बात करते हैं, इस कोर्स में क्या क्या है, अलग क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले बता दूं कि एसएससी जेई मैकेनिकल पेपर वन एंड पेपर टू दोनों सीबीटी एग्जाम होने वाला है, ये आप लोग को पता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। और पेपर टू जो है वन क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाला है। इसका मतलब है कि 40 to 50% न्यूमेरिकल आएगा, क्वेश्चन जो आएगा मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा पेपर टू में, ठीक है। तो वही पूरा डिस्कस करेंगे, उस हिसाब से सिलेबस को डिजाइन किया रहेगा। जो आप पहले देखते थे, पहले क्वेश्चन जो था वो तो रहेगा ही, उसके अलावा हाई लेवल के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सब कुछ में पढ़ाने वाला हूँ। और ये कंप्लीट कोर्स रहेगा एसएससी जेई का, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल भी, ओके। तो देखेंगे, और इसके साथ फुल कोर्स एंड मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप बता दूं कि ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड आप लोग नहीं किए होंगे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल स्टोर के लिए नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके। तो चलिए जानते हैं कोर्स फीचर्स के बारे में। तो देखिए, एसएससी जेई 2023 एग्जाम है, मैकेनिकल का कोर्स फीचर्स बता रहा हूं जो कि कराने वाला हूं। तो यहां पे देखेंगे, कंप्लीट थ्योरी क्लास होगा फ्रॉम जीरो लेवल। अगर आपका लेवल जीरो है वहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से पूरा एक कोर्स। लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों रहेगा ये। टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेगा, विथ बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको एमसीक्यू कराया जाएगा हर टॉपिक का। ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल है, जितने टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ, कंसेप्ट के साथ। और न्यूमेरिकल जो रहेगा लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक हर टाइप से न्यूमेरिकल रहेगा, क्योंकि इस बार 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन पेपर टू में आने वाला है। तो उस हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि पेपर वन होने के बाद पेपर टू का, स्टार्टिंग से ही उस लेवल की हम लोग प्रिपरेशन इसमें करने वाले हैं, ओके। उसके बाद देखिए, साथ में रेगुलर मॉक टेस्ट होगा, डेली आपका मॉक टेस्ट होगा। जब भी लाइव क्लास हो गया तो उसके बाद उस टॉपिक का आपको मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट जो होगा चैप्टर वाइज रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा, कंबाइंड मॉक टेस्ट रहेगा, यानी 2-3-4 सब्जेक्ट को कंबाइन करके भी मॉक टेस्ट रहेगा। और फुल लेंथ भी मॉक टेस्ट रहेगा, एसएससी स्पेशल ये मॉक टेस्ट रहेगा, सिर्फ एसएससी के हिसाब से ये बनाया हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रहेगा वो भी सॉल्व कराऊंगा, लास्ट 15 ईयर का, लास्ट 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा कंसेप्ट के साथ आपको लाइव में पढ़ाने वाला हूं, ओके। उसके बाद देखेंगे, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का इम्पोर्टेंट PYQ कराने वाला हूँ, मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आता है, ऑप्शन दिया रहता है 1, 2, 3, 4, और ऑप्शन में A, B, C ऐसे दिया रहता, और ऐसे रहता 1 and 2 are correct, 1, 2 and 3 are correct, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, इस टाइप से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन जो है वो कराएंगे। आपको पता है, पहले से ही बता रहा हूँ कि एसएससी के जो है बहुत सारे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन रहता है, जो वहाँ से वो क्वेश्चन कॉपी करते हैं, ठीक है। तो और सारे क्वेश्चन नहीं, तो उस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, किस क्वेश्चन को वो लोग पिक करेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो वो भी सारे यूपीएससी का क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा आपको, साथ में हाई लेवल का न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा विथ कंसेप्ट, पूरे कंसेप्ट के साथ, ताकि कहीं से भी कैसा भी आपको क्वेश्चन दे दे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ओके। इसके साथ कंप्लीट PDF जो रहेगा, PDF नोट्स मिलेगा, जितना भी पढ़ाऊंगा, थ्योरी क्लास हो गया, बेसिक कंसेप्ट हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, MCQ हो गया, कंप्लीट आपको PDF नोट्स मिलेगा, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी चाहे तो आप करा सकते हैं, ओके। और उसके साथ साथ जो भी क्लास होगा, थ्योरी डाउट सेशन भी होगा। जैसे हर क्लास के बाद आपको किसी टॉपिक में डाउट होता है तो डाउट क्लास भी लिया जाएगा, और वो लाइव सेशन में लिया जाएगा, ओके। अब आगे बात करते हैं नॉन टेक्निकल की, ठीक।
तो नॉन टेक्निकल जो है कंप्लीट रीजनिंग का जो है क्लास, जो रीजनिंग जो है ये 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का पेपर वन में आपको आने वाला है। तो ये फ्री क्लास आपको मिलेगा, इसी कोर्स के साथ आपको ये फ्री में मिलेगा, और साथ में SSJEE का PYQ जो है रीजनिंग का ये भी आपको दिया जाएगा, वो भी आपको लाइव में भी रहेगा। अगर लाइव मिस कर देते हैं तो सारे क्लास जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। ओके, और लाइव क्लास का टाइमिंग के बारे में जो है वो टाइमिंग आपको मैं बताऊंगा। टाइमिंग जो है मॉर्निंग 11 AM हो सकता है, या फिर इवनिंग जो है 6 या 6:30 PM हो सकता है। ओके, उसके साथ ये क्लास तो मिलेगा, उसके साथ जनरल अवेयरनेस जो है, जनरल अवेयरनेस का फ्री PDF आपको नोट्स मिलेगा। GK GS जो आता है 50 क्वेश्चन, इसमें भी आता है 50 मार्क्स के लिए पेपर वन में, तो ये आप पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, हमारे पास इसके लिए एजुकेटर नहीं है। तो इसके लिए जो PDF नोट्स है, कंप्लीट PDF नोट्स आपको मिलेगा, उसको भी आप डाउनलोड करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, इसके आगे देखते हैं पेपर वन का जैसे एग्जाम होगा, आफ्टर पेपर वन एग्जाम, पेपर वन का जैसे एग्जाम होगा तो हमारा क्या है, अक्टूबर के बाद अक्टूबर में पेपर वन हो जाएगा, उसके बाद पेपर टू के लिए तुरंत अलग टाइप से प्रिपरेशन होगा। पहले पेपर वन पेपर टू का तो कंबाइन आपको चल ही रहा होगा, एक साथ ही प्रिपरेशन कराऊंगा कि दोनों एग्जाम क्रैक हो जाएगा। पेपर टू की प्रिपरेशन कर लेंगे, पेपर वन तो निकल ही जाएगा, मैकेनिकल का आसान हो जाएगा। लेकिन पेपर वन के बाद आपको स्पेशल क्या रहेगा, पेपर वन के बाद पेपर टू स्पेशल क्लास चलेगा, वो सबके लिए रहेगा, ठीक है, जो कि इसमें हाई लेवल का न्यूमेरिकल सिखाया जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के आने वाले हैं, और इसमें कैलकुलेटर भी अलाउ है, तो इसका मतलब क्या है, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, स्टीम टेबल सब अलाउ है, तो इसका मतलब हाई लेवल का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल ऐसा पूछा जाएगा कि जिसमें 5-6 मिनट लगे, बट उसको भी हम लोग इस तरीके से करेंगे कि 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना आपको सीखना होगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हाई लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें कैलकुलेटर की भी यूज हो सकता है, और उसमें भी हम लोग ऐसा करेंगे जिसमें सिर्फ 10% से ज़्यादा कैलकुलेटर आपको यूज करना ही नहीं पड़ेगा। इस टाइप से मैं न्यूमेरिकल आप लोग को सिखाने वाला हूँ, ठीक है। MCQ विथ मल्टीपल ऑप्शन के साथ आपको MCQ सिखाएंगे पेपर टू के लिए, तो क्योंकि पेपर वन में तो ठीक है नॉर्मल जैसे क्वेश्चन आता है वैसा ही आ सकता है, बट पेपर टू में अगर थ्योरी का भी क्वेश्चन आएगा, जैसे ये न्यूमेरिकल है तो ठीक है, न्यूमेरिकल टॉफ भी करेंगे हम लोग हाई लेवल का, थ्योरी का जो क्वेश्चन आएगा वो सिंपल इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, मल्टीपल ऑप्शन के साथ आएगा, 1, 2 are correct, 1, 2, 3 are correct, 1, 2, 3 and 4 are correct, इस टाइप के। तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए कंसेप्ट आपके मजबूत होना चाहिए। एक भी अगर ऑप्शन आपको नहीं आता है ना, वो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, 3 मार्क्स का गया। 3 मार्क्स के साथ साथ 1/3 जो है आपकी निगेटिव मार्किंग भी है, तो निगेटिव में भी चला जाएगा। तो यहाँ इस बार आप पेपर वन हो पेपर टू हो, ज़्यादा क्वेश्चन तुक्का मारने का आप रिस्क नहीं ले सकते, पूरे कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ना होगा। और बात करें न्यूमेरिकल का, तो पेपर वन में 25% to 35% तक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, वही पेपर टू की बात करें तो 40% to 50% न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ये अंदाजा है, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन आपको करना होगा। कुछ क्वेश्चन जो आता है असर्शन और रीजनिंग टाइप आता है, असर्शन ए और रीजनिंग आर ऐसे दिया रहता है, ठीक है, उस टाइप के भी क्वेश्चन ज़्यादा आने की उम्मीद है, वो भी क्वेश्चन आपको स्पेशल ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाएगा। जैसे UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टाइप का भी पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन का वेटेज जो है वो 3 मार्क्स के लिए है, तो उस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन होना चाहिए। तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये कोर्स जो रहेगा सबसे अलग रहने वाला है और यूनिक रहने वाला है। अगर ये प्रिपरेशन कर लेते हैं मैकेनिकल का इस टाइप से, तो आप कोई भी मैकेनिकल का एग्जाम हो आप क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो ये रहेगा हमारे कोर्स फीचर्स में, और ये कोर्स का हमारा फीचर्स जो है इस टाइप से रहेगा, और ये सारा चीज में कोर्स में SSJEE में दोनों पेपर के लिए आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और इस कोर्स की प्राइस जो रहेगी, डिस्काउंटेड प्राइस की बात कर रहा हूँ, डिस्काउंटेड के बाद 1999 रहेगा, जिसमें आपको कंप्लीट पेपर वन पेपर टू और रीजनिंग और GK GS का PDF नोट्स भी रहेगा, ठीक है।
और कुछ स्टार्टिंग में फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए इसके ऊपर 10% का आपको डिस्काउंट कूपन कोड भी मिलेगा, जो आप कोर्स पे आएंगे तो आपको वहां से डिस्काउंट कूपन लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और एक कोर्स जो रहेगा आपको अक्टूबर के पहले पेपर वन तो कंप्लीट हो जाएगा पेपर वन के हिसाब से, ठीक है, उसके बाद पेपर टू जो है फिर पढ़ना पड़ेगा। तो वो एक कोर्स समझिए कि पेपर टू के लिए, मतलब समझिए कि 6 मंथ आपको पढ़ना पड़ेगा एसएससी जेई के लिए। प्री का पहले हो जाएगा, उसके बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्री आपका क्लियर होता है नहीं क्लियर होता है ये छोड़ देना है, सोचना। पेपर टू के लिए भी कंटिन्यू पढ़ते रहना है और क्लियर जरूर होगा, क्रैक जरूर होगा। अभी से आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ये क्रैक कर सकते हैं। और एक क्लास जो है ट्यूजडे यानी सेकेंड जो है अगस्त से स्टार्ट हो होगा, ठीक है, सेकेंड अगस्त से स्टार्ट होगा। और एडमिशन जो है मंडे, कल से ही 1 अगस्त से ही आपको एडमिशन जो है इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग एडमिशन ले लीजिए और 10% जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट है उसको अवेल कर लीजिए और कोर्स ज्वाइन करके प्रिपरेशन आप लोग बेसिक कंसेप्ट के साथ अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ओके। तो चलिए मिलते हैं अब क्लास में, मिलेंगे लाइव क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।